तो भाई पहाड़ों में घूमना किसको पसंद नहीं है, और मैंने भी भारत की बहुत सारी वैलीज को एक्सप्लोर किया है, लेकिन आज जिस वैली को आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग हुई है, क्योंकि ये वैली है आंध्र प्रदेश के अंदर, और आपको तो पता है कि लाल चंदन आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। तो चलिए वैली को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे करते हैं डांस, पता नहीं कैसे करते हैं। चलो भाई आपको चॉकलेट का पेड़ दिखा देते हैं। आपने चॉकलेट का पेड़ नहीं दिखा होगा ना, ये है चॉकलेट का पेड़। कॉफी के पेड़ के नीचे बैठ के कॉफी पी लो। ये जो लंबा वाला पेड़ है ना, ये है सिल्वर ट्री। इससे मैच बॉक्स बनता नहीं, माचिस बनता है। तो भाई और उनकी बहनों, मैं हूँ आपका अपना योगी भाई, और फिलहाल मैं हूँ अराकू वैली के अंदर, जो पड़ती है वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम से करीब 120 किलोमीटर दूर। अब लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया बोहरा केव, जो अराकू वैली के अंदर ही पड़ती है, तो अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखेगा। और इस वाले व्लॉग में मैं पूरी अराकू वैली दिखाने वाला हूँ, और अराकू वैली में है व्यूज बहुत जबरदस्त। तो अभी हम लोग यहाँ पे व्यूज के ही नज़ारे ले रहे हैं, आंखों से तो दिखाई दे रहे हैं, अभी कैमरे से भी आपको उधर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ से व्यूज बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं, हालांकि ड्रोन चलाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम फ्लाइट से आए थे, हमारा ड्रोन काफी बड़ा है यार, तो हम फ्लाइट में उसको ला नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ही बिग साइज का ड्रोन है। बट यहाँ से जो व्यूज नजर आ रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग है यार। तो यार जैसा कि आपको पता है कि मैं अराकू वैली में घूम रहा हूँ आज, और यहाँ पे देखिए ये सारे जितने भी आप प्लांटेशन देख रहे हैं ना, ये सब कॉफी प्लांट है, और यहाँ की जो कॉफी है ना अराकू की, ये इंडिया में नंबर वन है, क्योंकि यहाँ के जो कॉफी प्लांट है, यहाँ से जो कॉफी बनती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है, यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। और सामने शॉप भी है कॉफी की, हालांकि मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, लेकिन आज मैं फिल्टर कॉफी जरूर ट्राई करूंगा। सब कॉफी प्लांट है, बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे जो वैली है इसके अंदर कॉफी के प्लांटेशन आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे ना कॉफी की खुशबू भी आ रही है, मतलब यहाँ पे ना भाई ये वीडियो बनाने की जगह है क्या? नहीं नहीं भाई, ये तो फील करने की जगह है, इधर बैठ जाओ आराम से और खुशबू लो कॉफी की। खुशबू लो, सच में यार फील करने की जगह है, बहुत ही जबरदस्त जगह है। तो हम भी थोड़ा यहाँ रिलैक्स करते हैं 5-7 मिनट, और फिर ऊपर यहाँ पे नेचुरल कॉफी मिल रही है, जाके हम फिर फिल्टर कॉफी ट्राई करते हैं भाई आज। हाँ करेंगे, नेचुरल कॉफी पियेंगे, क्योंकि मैंने कई बार कॉफी ट्राई की है, लेकिन वो सारी केमिकल प्रोसेस है, सारी के सारी नेचुरल मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पियेंगे बिल्कुल नेचुरल, उसका स्वाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन है, बहुत सारी कॉफी उगाई जाती है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यार कॉफी का जो पेड़ है ना, वो देखो ऐसा होता है, कुछ ऐसा पेड़ होता है, क्योंकि जो चाय के बगान होते हैं ना वो काफी सुंदर होते हैं, ये भी काफी सुंदर है, पर वैसा तो नहीं है। देखिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, कॉफी के जो प्लांटेशन है ना वो दूर दूर होते हैं, काफी स्पेस होता है, चाय के जो प्लांटेशन होते हैं आसाम वगैरह में आपने देखे, केरला मुन्नार में, वो सटे हुए होते हैं। तो इस तरीके का होता है कॉफी का पेड़, यहाँ पे आई थिंक वो जो डोड़ी है, जो बीन्स है कॉफी का, वो आता होगा, उसको प्लग करके फिर सुखाते होंगे, फिर कोई काफी प्रोसेस होते होंगे, उसके बारे में तो हमको नॉलेज नहीं है, बट मैंने आपको कॉफी प्लांटेशन पूरा का पूरा दिखा दिया है। तो भाई अमरीक जी आप क्या सोच रहे हो काफी देर से बैठ के? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इधर ऐसे बैठ जाऊं पेड़ के नीचे, हाँ। और बाहर से कॉफी ले आऊं, और कॉफी लाके कॉफी के पेड़ के नीचे बैठ के पीऊं, मजा आ जाए भाई। भाई यहाँ पे आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि रोड पे थोड़ा सा ऊपर ही आपको कॉफी मिल जाएगी, वहां से कॉफी लाओ, कॉफी के पेड़ के नीचे बैठ के कॉफी पी लो। ये सही है यार, मजा आएगा। करे क्या एक्सपीरियंस, चलो करते हैं, चलो ट्राई करते हैं कि वहाँ से यहाँ तक ला पाते हैं, लाते हैं, करते हैं वाला। तो भाई यहाँ पे काफी सारे स्पाइसेस भी उगाए जाते हैं वैली में, यहाँ पे देखिए जावित्री, बिल्कुल फ्रेश जावित्री है, ये है चक्कर फूल, और भी बहुत सारे स्पाइसेज है, और यहाँ पे कॉफी बीन्स वगैरह सब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाकी दूध वाली कॉफी मिली है भाई, मैं दूध वाली पीता नहीं हूँ, कैसी लग रही है भाई? ना अच्छी है कॉफी, तो अच्छी है, बढ़िया है, नेचुरल टेस्ट आ रहा है, कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट तो है। चलिए तो भाई फिल्टर कॉफी आगे मिलेगा, वो पीऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉफी का एक फल दिखा देता हूँ। देखो ये है कॉफी, और ये बाद में ऐसा हो जाता है बिल्कुल रेड, ये देखो क्या आपको दिख रहा है, रेड, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रेड हो जाता है, ये देखो ये सारा कॉफी का फल है, और ये ही सुखा के बीन्स बन के कॉफी तैयार होता है। तो भाई 10 रुपए का टिकट भी मिला है हमको, क्योंकि हमको आपको दिखाना था पूरा बागान। अब आप देखो ये काली मिर्च की बेल है, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे चॉकलेट का पेड़ है, मतलब कोकोआ पाउडर के, जो कोकोआ बीन्स होता है, बीन्स होता होगा सभी कोकोआ का भी। आगे चलना है, आगे जाके मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, चॉकलेट के पेड़, मतलब क्या वैली है यार, इसमें सारे मसाले आपको मिलेंगे, चॉकलेट मिल के पेड़ मिलेंगे, कॉफी के पेड़ मिलेंगे, कॉफी के बड़े बड़े बागान मिलेंगे आपको भाई, बहुत ही जबरदस्त है वैली, मतलब रिच वैली है, सारे स्पाइस है यहाँ पे। चलो भाई आपको चॉकलेट का पेड़ दिखा देते हैं, आपने चॉकलेट का पेड़ नहीं दिखा होगा ना, ये देखो ये जो बड़े बड़े पत्ते देख रहे हो आप, ये है चॉकलेट का पेड़, समझ रहे हो, ये हमको मिल गया यहाँ पे मिल गया, अब खा के इसका खाओ तो सही, बंदर भी तो खा रहे हैं यार। हाँ
हम भी तो बंद करी थे पहले। हाँ तो खा के एक बार टेस्ट बताओ कैसा है। कैसा टेस्ट है भाई? पका हुआ तो है, रेड है बिल्कुल, थोड़ा स्वीट है। स्वीट है ना, तभी बंदर खा जाता है ना। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि बंदर है ना बहुत सारे कॉफी के जो ये फ्रूट थे ना उसको खा रहे थे, तो मैंने कहा अमरीक को एक बार खिलाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैली को आप कहीं भी रुक के देखोगे यही नजारे मिलेंगे आपको, जितने भी लंबे लंबे पेड़ इन पे चारों तरफ लिपटी हुई है बेल। ये हमारे पवन भैया है जो हमको घुमा रहे हैं पूरे वैली के अंदर, और यहाँ पे चारों तरफ आपको अलग अलग मसालों के पेड़ मिलेंगे, कहीं चॉकलेट का पेड़ मिलेगा, कहीं कॉफी का। अच्छा आपने कभी माचिस का पेड़ देखा है? वो भी दिखा देता हूँ भाई इस वैली के अंदर। पवन भैया ने बताया सिल्वर ट्री, ये जो लंबा वाला पेड़ है ना ये सिल्वर ट्री, इससे मैच बॉक्स बनता है, माचिस बनता है। और ये पेड़ जितने भी है ना ये कॉफी के जो प्लांटेशन होता है उसको मतलब ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह की थाली है, दाल है, राइस है, पिकल है, बैंगन है, ये कुछ अलग तरह का यहाँ का ऑथेंटिक मिक्स वेज है, ये गोभी है, सांभर है, और यहाँ पे भाई ये है रसम। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ का आज थोड़ा है मतलब लोकल खाना खाते हैं। फर्स्ट क्लास, बहुत ही मतलब एकदम रिच टेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है। और अभी बहुत भूख लग रही है, फटाफट से खत्म कर देता हूँ मैं इसको जल्दी से। तो भाई खाना खा के मजा आ गया और बहुत ही सस्ता भी था, 110 रुपए पर पर्सन, और टेस्टी बहुत था, पेट एकदम फुल हो गया। अभी हम जा रहे हैं कॉफी म्यूजियम देखने, और वहाँ पर एक और भी म्यूजियम है ट्राइबल म्यूजियम, तो दोनों म्यूजियम देखेंगे हम। और भाई कॉफी म्यूजियम में आ गए हम लोग, 20 रुपए का एक टिकट है। मेरे को लगता है आप बताएंगे कि कॉफी किस तरह बनाई जाती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, तो समझना भी था, चलो देखते हैं। तो भाई अंदर म्यूजियम में तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड थी नहीं, बस मैं आपको बता दूं कि अंदर है ना कॉफी पेड़ से लेके आपके जो ग्लास तक पहुंचती है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं वो दर्शाया गया था। टोटल 19 प्रोसेस होके आपके जो है कप में आती है कॉफी। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं कॉफी म्यूजियम देख कर। तो भाई ये है अराकोपा ट्राइबल म्यूजियम, अंदर एंट्री कर रहे हैं, टिकट सामने मिल रहा है, 50 रुपीज़ का टिकट लेके हम अंदर आ गए। यहाँ पे पूरा नक्शा बनाया है, पहले तो ये केव्स है ट्रेन की, यहाँ पे बोरा केव्स है जहाँ अभी लास्ट लोग लोग आए थे, और अराकू वैली कैसे दिखता है पूरा यहाँ पे मॉडल दिखाया गया है। काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे, अराकू एडवेंचर के नाम से है ये सब प्राइजें लिखी हुई है। यहाँ पे बोटिंग कयाकिंग कर सकते हैं, छोटा सा एक कृत्रिम तालाब सा बना रखा है। इधर देखो ट्राइबल म्यूजियम की फीलिंग यहाँ से आ जाती है, ट्राइबल का सबसे पहले यही मॉडल है। तो भाई ये है आर्किटेक्चरल टूल्स गैलरी, आओ अंदर से देखते हैं भाई। ये ट्राइबल म्यूजियम है, यहाँ पे ना अनाउंस भी हो रहा है कि ट्राइब कौन से हैं, क्या जनजाति है, ट्राइब के बारे में सब बताया हुआ है। और यहाँ पे देखो उनका जनजीवन दिखाया हुआ है कि किस तरीके से और शो है 5 PM to 7 PM। भाई एक और कक्ष मिल गया हमको, इसमें देखते हैं, नहीं लोकल ही आदमी, मैं सोचा ओरिजिनल आदमी बैठे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्राइब का पूरा पूरा कल्चरल जो है यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरीके से रहते हैं, उनके बर्तन खाने पीने के साथ दिखा दिया। तो भाई ये है आदिवासी देवालयम, और इसमें हम एंट्री कर रहे हैं, और अंदर पता नहीं आवाज आएगी नहीं आएगी, क्योंकि साउंड थोड़ा बज रहा है, तो बस विजुअल आप देख लेना। तो ये देख लो भाई कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनके वेपन्स होते हैं, तीर कमान, और यहाँ पे धनुष है इनके पास, काफी सारी चीजें, गुलेल भी है, इस तरीके से लोग बनाते हैं। जैक फ्रूट का पेड़ है, हंटिंग कैसे करते हैं वो सारा यहाँ पे दिखाया गया, ट्राइब कैसे हंटिंग करता है का पूरा दिखा रखा है, हंटिंग करने के बाद कैसे लेके जाते हैं उसको, जिसको हंट किया होता है ना उसको ऐसे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सींग भी है सबके, बफेलो हॉर्न्स है, और इतनी ऐसे बफेलो, इतने बड़े बड़े सींग। खाना बनाने का प्रोसेस देख लो, चक्की से कैसे पीसते हैं, वहाँ पे पीसा फिर छाना, मतलब सारा एकदम, बहुत मेहनती लोग हैं यार, बहुत मेहनत करके अपना खाना वाना बनाते हैं। तो भाई ये है आदिवासी देवालयम, यानी उनका मंदिर है टेम्पल, ये है आदिवासियों का टेम्पल, इस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिखाई गई है, कैसे कैसे ये लोग खेती करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनका ट्रैक्टर वैक्टर तो कुछ होता नहीं है कि भाई जोड़ लो कैसे। भाई ट्राइब किस तरह घर होते हैं छोटे छोटे से, और ऊपर देख रहे हो आप कद्दू जो लटका रखा है, ये कद्दू मैंने यहाँ पे बहुत सारी दुकानों पे भी लटका हुआ देखा है, घरों में भी लटका हुआ देखा है। अभी ड्राइवर साहब से पूछूंगा कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और इस तरह से शादी होती है भाई की, पूरा विवाह समारोह ऐसे चल रहा है, ट्राइब का पूरा विवाह समारोह इस तरीके से होता है, ऐसे शादी करवा दी जाती है।
तो भाई इस वाले म्यूजियम में आके हमको पता चला कि ट्राइब कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे शादी होती है, कैसे इनका खेती वेती, कैसे शिकार, सब कुछ यहाँ पे एक चीज दर्शाई गई है। भाई यहाँ देख लो, एक और नई चीज हमको पता चली है कि जो ट्राइब होते हैं ना, ये कुछ जड़ी बूटी लेके आते हैं, उसे हाथों में मसल के, और जैसे बच्चा बीमार है तो उसके मुंह में डाल के मेडिसिन बना देंगे। मतलब इनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वैसे जंगलों में यार सारी जड़ी बूटी है, आयुर्वेद यहीं से निकला है, तो ये आज भी उसी का इस्तेमाल करके अपना जो जीवन है वो चला रहे हैं। तो भाई फोटो गैलरी देख लेते हैं, सब तरह के फोटो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उस के नाम पे देखो कैसे कोइन का है ना माला बना रखे अपने इंडिया के सिक्के, एक एक के अठन्नी है, चवन्नी है, पुराने पैसे है, और उनकी सबके माला बना के लोग अपना आभूषण बना लेते हैं। तो भाई कोइन वाला जो आभूषण दिखाया था ना, वो मेल के लिए था और फीमेल के लिए ये आभूषण है। फीमेल इस तरीके से इसको गले में पहनती है, और मुझे कैसे पता चला देखो, यहाँ पे एक फोटो गैलरी में इस फोटो में दिखाया है, यम्मा जी ने पहन रखा है ना। भाई यहाँ पे बताया है कि जो ट्राइब की महिलाएं एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 बर्तन एक साथ पानी के भर के लाती है। हालांकि मेरी वाइफ होती तो यहाँ बगल में खड़ी होकर फोटो जरूर खिंचवाती हो तो यहाँ पे यार। तो भाई जैसे देसी दारू होती है ना, ऐसे मेरे को नहीं पता भी है दारू का काम करती है क्या करती है, बट लोकल ट्रेडिशनल लिक्वर है ये भी, लिकर है, लिख रखा है ट्रेडिशनल लिकर, ऐसे पेड़ से उतार के और ऐसे पी लेते हैं लोग। अब पता नहीं इसमें नशा होता नहीं होता, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बट मैंने जैसे समझा वैसे बता दिया, तो इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लेना भाई। तो भाई यहाँ का जो इनका ट्राइबल का जो इनका डांस होता है डैमसा या डिमसा, ये देखो अलग अलग तरीके से किया जाता है, मतलब अलग अलग फेस्टिवल पर अलग अलग तरीके के जो है टाइप ऑफ डैमसा ये लोग करते हैं, और कुछ इस तरीके से होता है डैमसा। देखो ये दर्शाया गया है ना इस तरीके से, सब लोग साथ मिलके ग्रुप डांस होता है पूरा, मैं भी करता हूँ थोड़े डांस ऐसे करते हैं डांस, कैसे करते हैं भाई। तो भाई अराकू वैली घूमे हम लोग, हमने देखा है कैसे मसाले कोकोआ कैसे मतलब कॉफी वगैरह सब लोग कैसे उगाते हैं, ट्राइबल भी यहाँ बहुत ज्यादा है, ट्राइब की लाइफ कैसे हो है, ट्राइब म्यूजियम में जाके हमको पता लगा, कॉफी कैसे आपके कब तक आती है वो सब जाके पता चला। तो अभी इवनिंग हो गई है, तो अभी हम ट्राइबल म्यूजियम से तो बाहर निकल रहे हैं, और ड्राइवर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या देखने की चीजें हैं, वरना अराकू वैली घूम के हमें मजा तो भाई बहुत ही आ गया आज। क्यों भाई? बहुत मजा आया भाई, कुछ नई चीज देखने को मिली, एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो भाई वैली में घूमते घूमते शाम हो गई है और बहुत कूल हो गया मौसम, तो अभी हम वापस निकल रहे हैं विशाखापट्टनम की तरफ, और हम तो है ना टैक्सी में आए थे, हमारा टैक्सी वो खड़ा, और आप आओ तो ट्रेन से भी आ सकते हो, क्योंकि ड्राइवर साहब बताए थे ऐसे 20-25 के ओ में से ट्रेन निकल के आती है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट कॉटेज है, खूब सारे गवर्नमेंट के रिजॉर्ट भी है, तो आप बुक कर सकते हो, और मैं तो कहता हूँ बुक कर लो और 3-4 दिन वैली में ही स्टे करो, तभी आपको असली मजा आएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले ब्लॉग में आपको विशाखापट्टनम की और भी बहुत सारी अट्रैक्शन में दिखाने वाला हूँ। अभी के लिए बाय बाय। If it's something